मैंने कागज की कितनी सारी बोट्स बनाई है। पानी बरसते ही हम इन्हें चलाएंगे। हाय इमली, ऊपर देखो कितने घने बादल हैं। बरसात कभी भी आ सकती है। इमली, तुम इन्हें बोट्स कहती हो? बोट्स इसे कहते हैं। ये देखो, तुम्हारी बोट्स में तो एक मक्खी भी नहीं बैठ सकती। मेरी बोट के बारे में क्या कहना है? इधर देखो। जिंटू बंद करो ये जादू। तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसा जादू पब्लिक में ना करो। इसने इमली का मजाक क्यों उड़ाया? वो उसकी आदत है। सब कुछ नॉर्मल करो जल्दी। ये बंटी कभी नहीं सुधरेगा और ये जिंटू भी कभी नहीं सुधरेगा। वीर, हम लोग बरसात आने पे रेन डांस ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके। टिम्बक्टू, ये है लाइटनिंग रोबोट। ये आसमान में जाके सब बादलों पे आइस पाउडर डाल के जमा देगा और फुर्सत गंज में बरसात नहीं होगी। You are genius, boss. Super duper genius. फुर्सत गंज के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। फिर हम पानी के टैंकर को चला के उन्हें बहुत ज्यादा कीमतों में पानी बेचेंगे और करोड़पति हो जाएंगे। जिंदगी भर बेवकूफी की बातें करने की कसम खाई है क्या? मुझे पानी का बिजनेस नहीं करना। जब बादल जम जाएंगे तो वीर उन्हें पिघलाने बादलों में जाएगा और वहां उसे कौन मिलेगा? बोलो बोलो। वहां उसे आप मिलोगे बॉस, और आप उसे पकड़ के यहाँ लाने की कोशिश करोगे, लेकिन बॉस वो आपको पटक पटक के मारेगा। I am mad, very very mad. वहां मैं नहीं, लाइटनिंग रोबोट मिलेगा। ये लाइटनिंग रोबोट वीर को खत्म करके यहाँ लाएगा और मैं उसका पूरा सिस्टम स्टडी करके अपना नया रोबोट बनाऊंगा। मियाओ, यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। हे लाइटनिंग रोबो, क्या तुम सच में बिजली फेंक सकते?